हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आई होप कि आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे फेस पे ये ग्लो आई, अचानक से बहुत सारी ग्लो मेरे फेस पे आ चुकी है क्योंकि मैंने यूज़ किया बनाना फेशियल। हाँ जी, एक बार बनाना फेशियल करके मुझे इतनी सारी ग्लो मिली है। तो सोचिए, अगर आप उसको दो या तीन बार करेंगे तो रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। मैंने खाली एक बनाना यूज़ करके और बहुत कम चीज़ें उसमें मिक्स करके बनाना फेशियल किया तीन स्टेप में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिले हैं। और मैं यही सब आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का बनाना फेशियल का वीडियो। तो इसके लिए एक बनाना मैंने लिया है, इस बनाना को कट करेंगे। इक्वल क्वांटिटी में हम ये बनाना इसमें डाल लेंगे। और सबसे पहले हम तैयार करेंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए हम खाली बनाना को मैश कर लेंगे अच्छे से, स्पून की या हाथ की या किसी भी तरीके से आप इसको करना चाहें। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और आप एक पेस्ट जैसा कंसिस्टेंसी इसका तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो बहुत अच्छा। मैंने यहाँ पे वाइट शुगर लिया है क्योंकि फ़िलहाल मेरे घर पे ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं थी। तो आप ये ब्राउन शुगर इसके अंदर डालिए या वाइट शुगर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर डालिए और इसको मिक्स करते जाइए। इसके जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होंगे शुगर के, इनकी वजह से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और जो डेड स्किन है और जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड है ये आपके आराम से निकाल देगा। तो उसके बाद दूसरे बोल में हम लोग लेंगे बनाना पीसेज, सेकेंड पार्ट जो अपनों ने तीन पार्ट में जिस बनाना को डिवाइड कर लिया था। तो उसमें हम लोग लेंगे बनाना के पीस और उसके अंदर हम थोड़ा उसको मैश कर लेंगे। और विटामिन ई के दो कैप्सूल मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप इसको डालिए। और ये अपने मसाज करने के लिए एक जेल अपने प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रिपेयर होने के बाद इसको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे तीसरा बाउल जिसमें हमने तीसरा पार्ट जो बनाना था वो इसके अंदर डाला था। अब ये हम पेस्ट जो जेल की जो मसाज करेंगे उसके बाद पेस्ट जो लगाने वाले हैं इसके लिए हम इसमें तीसरा पार्ट बनाना और उसको मैश करने के बाद अच्छे से हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच शहद डाल लेंगे ताकि ये जो ग्लो दिख रही है इसको और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करे। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर, एक चम्मच या दो चम्मच जितना भी आपको सही लगे। और तो ये ताकि ये पेस्ट बन जाएगा, ये मास्क बन जाएगा जो हम बिल्कुल लास्ट में लगाने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। अब हम कैसे मैंने इसको यूज़ किया इसका वीडियो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि कैसे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया। सबसे पहले हम अपना फेस और हैंड्स क्लीन कर लेंगे क्योंकि हाथों की मदद से हम अपने फेस पे मसाज करने वाले हैं, हाथों को रब करने वाले हैं फेस के ऊपर, तो ये क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। पहले फेस को क्लीन कर लीजिए और फिर रोज वाटर से इसको टोन कर लीजिए। टोन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट अपनों ने बनाया था ब्राउन शुगर या वाइट शुगर मिक्स करके, वो हम वो वाला बोल लेंगे। और धीरे धीरे ये पेस्ट देखिए, ऐसा है कि आपको देखने में थोड़ा स्टिंकिंग लगे और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो, पर ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसको यूज़ करेंगे उसके बाद आपको ये सब पता चल जाएगा। तो अब आप ऐसा करिए, इसको फेस पे धीरे धीरे लगाइए और रब करते जाइए अपने बिल्कुल सर्कुलर मोशन में करेंगे मसाज को, क्योंकि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में मसाज करना चाहिए ताकि ये जो अपने ब्लड वेसल्स है ये एक्टिव हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन अपना बढ़े और इसकी वजह से अपने को बहुत ज़्यादा ग्लो मिलती रहे। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको धीरे धीरे मसाज करेंगे नोज के पास और चिन एरिया पे। यहाँ पे ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने ब्लैक एंड वाइट एंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद इसको मसाज कर देंगे तीन मिनट से ज़्यादा मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तीन मिनट से ज़्यादा मसाज करने पर अपनी स्किन इरीटेट हो सकती है और जो ये ग्रैनुअल्स है ये अपनी स्किन को थोड़ा रेड और थोड़ा हार्म पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, आप इसको मसाज करिए तीन मिनट और इसके बाद आप इसको उतार दीजिए। आप देखिए, कोई कॉटन टॉल की मदद से भी उतार सकते हैं और या फिर कोई, मैं यहाँ पे पेपर नैपकिन यूज़ कर रही हूँ, सकते हैं। धीरे धीरे इसको उतार दीजिए। देखिए, इसके बाद आपको फेस बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है, ऐसे ही बिल्कुल साफ जब अपना फेस हो जाएगा इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बनाना जो अपनों ने बना लिया था पेस्ट जेल जैसा,
विटामिन ई कैप्सूल यूज करके वो हम यहाँ पे लेंगे दूसरा वाला बोल, और उसको हम धीरे 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 आराम से हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाएंगे नेक पे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम इसको यूज करेंगे धीरे 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 धीरे, इसको भी 3 या 4 मिनट तक, जब तक अपने को लगे थोड़ा ये जो बिल्कुल लिक्विड सा कंसिस्टेंसी था ये थोड़ा अपनी स्किन में बैठ गया है, तब तक ही अपने इसको मसाज करेंगे। तो अपने बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। लास्ट स्टेप में हम करेंगे तीसरा बोल जो अपनों ने लिया था उसको अपने धीरे धीरे पेस्ट जो बन गया है इसको अपने लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 5 या 10 मिनट इससे ज़्यादा हम इसको नहीं रखेंगे, और फिर इसको उतार देंगे। उतारने के बाद अपने फिर से रोज वाटर से जैसे शुरू में हमने टोन किया था अपने फेस को वैसे ही फिर से टोन करेंगे, और इसको कुछ भी नहीं अपने फेस पे लगाएंगे घंटे भर के लिए, और उसके बाद अपने मॉइस्चराइजर सीरम जो भी अपने यूज़ करते हैं रूटीन में डे केयर में नाइट केयर में वो अपने कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगी कि आप इसको फेशियल को बिल्कुल नहाने से पहले करिए, क्योंकि ये थोड़ा केले के जो कुछ पार्ट्स हैं ये बालों में कान के पास यहाँ अटक जाएंगे, तो नहाने पे वो सब निकल जाएंगे और आप बिल्कुल साफ़ सुथरे लगेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।